हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू आवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास इलेवन चैप्टर ऑसोल्यूशंस का लास्ट टॉपिक दैट इज सिंपल पेंडुलम तो अभी तक हमने यहाँ तक कि पूरी की पूरी के पूरा चैप्टर कवर कर लिए हैं उनके जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाके प्ले को थ्रू कर सकते हैं ऑल्सो यहाँ तक कि जितने भी चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाके प्ले को थ्रू कर सकते हैं आज हम बात करेंगे द सिंपल पैंडोलम की जैसे कि हम पूरे चैप्टर में बात करते आए हैं अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन की और उसका हम एग्जांपल एक पेंडुलम से ही एक्सप्लेन करते आए हैं ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ठीक है बट अब ये आपको बताना है कि कैसे सिंपल पेंडुलम जो है वो एक हार्मोनिक मोशन शो करता है ठीक है तो हमने उसको एक तरीके से प्रूव करना है प्रूफ है ये उसका उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए अगेन हम पेंडुलम लेते हैं दिस इज रिजिड स्पॉट एंड दिस इज अब ठीक है मान लो ये इसकी मीन पोजिशन है ठीक है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ जाता है वो यहाँ तक जाता है लेफ्ट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ए तक जा रहा है इधर माइनस ए तक जा रहा है एंड दिस इज द मीन पोजिशन वो इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है ठीक है ये इसकी मेन पोजीशन है बट अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो पैंडुलम है वो हमने खींच कर थोड़ा सा इधर किया हुआ है ठीक है तो हम मान लेते हैं ये पेंडुलम जो है ये हमारा बॉब इधर है इस साइड है सो दिस इज द मेन पोजीशन ये अपनी मेन पोजीशन से हमने थोड़ा सा इधर खींचा हुआ है मान लो दिस एंगल इज थीटा और इसकी जो लेंथ है वो एल लेंथ है ठीक है तो ये भी एल ही है ये भी एल ही है राइट right? ओके okay. अब इसमें जो ये जो बॉब है इसका जो मास है वो मान लो एम है ठीक है बॉब का मास क्या है एम है ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें बताना है कि ये कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है ठीक है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करना है प्रूव करना है प्रैक्टिकली तो हम पूरी लेक्चर में यहाँ अभी तक यही बात करते ही आए हैं ठीक है टू एंड फ्रो मोशन टू एंड फ्रो मोशन वो तो हम प्रैक्टिकली बात करते ही आए हैं अब हमें इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए हमारे पास सिंपल हारमोनिक के कुछ फॉर्मूलाज हैं है ना सिंपल हारमोनिक के लिए हमारे पास लास्ट में जो फॉर्मूला निकल के आते हैं वो क्या निकल के आते हैं टाइम पीरियड निकल के आता है हमारे पास हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आता है वेलोसिटी का निकल के आता है यही है यही होते हैं हमारे पास फॉर्मूलाज ठीक है तो अगर मैं इनमें से कोई एक फॉर्मूला भी सेम प्रूव कर दूँ राइट right? तो मैं कह सकती हूँ कि ये भी ये क्या शो करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने भाई मैथमेटिकली प्रूव कर दिया राइट right? तो अब यहाँ पे इस सेटअप में मेरे को क्या मिल रहा है और किसके अकॉर्डिंग मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले को प्रूव कर सकती हूँ अगर इस सिचुएशन को मैं ध्यान से देखूँ तो देखो जब मैंने इसको इधर की तरफ खींचा है ठीक है ये यहाँ पे है एंड लेंथ है इनकी एक खिंचाव पड़ रहा है यानी कि इस पर कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट हो रही है ठीक है और स्टडी करते हैं इस सिचुएशन को अगर यहाँ टेंशन क्रिएट हो रही है क्यों टेंशन क्रिएट हो रही है क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ मास हैंगड है मास हैंगड है यानी कि उसका जो वेट है वो क्या है फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है दैट इज एम जी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ठीक है तो ऑब्वियसली वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है ठीक है अब अगर ये फोर्स डाउनवर्ड है इसको मैं क्या कर सकती हूँ इसको मैं दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर सकती हूँ है ना इसको दो कॉम्पोनेंट इस फोर्स को मैं दो कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ कौन कौन से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ठीक है तो अगर ये डाउनवर्ड है तो इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट ये जो इसके साथ साथ जा रहा होगा इस तरीके से तो ये हो गया इसका ये वाला कॉम्पोनेंट हो गया ठीक है क्योंकि ये क्या चाहिए? होने चाहिए एट 90 डिग्री होने चाहिए ना ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेट एट 90 डिग्री होने चाहिए तो एक ये हो गया ठीक है अब देखो अब अगर ये आपका थीटा है और दिस इज स्ट्रेट लाइन है ना दिस इज स्ट्रेट लाइन और ये एंगल है आपका ये डाउनवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड है ये वर्टिकल डाउनवर्ड है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा कौन से एंगल्स होते हैं ये लाइन है ये दो पैर लाइन है तो ये कौन से एंगल्स होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि इक्वल होंगे तो ये हो गए थीटा है तो ये भी थीटा हो गया आपका नाउ जिसका आपको थीटा मिल जाता है वो साथ वाला कंपोनेंट हम क्या बोलते हैं कॉस सो ये हो गया आपका एम जी थीटा इसका जो वर्टिकल ये वाला ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कौन सा हो जाएगा एम जी साइन थीटा ठीक है ओके अब देखो अब हमें क्या मिल रहा है हमें यहाँ से फोर्स मिल रहा है है ना फोर्स मिल रहा है हमें यहाँ से तो हम फोर्स से रिलेटेड ही चीज़ें हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक है अब अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक फोर्स जो जब ये घूमेगा ठीक है एक तरीके से ऐसे घूमेगा एक सर्कुलर मोशन लेगा ठीक है ये ऐसे वाला सर्कुलर मोशन लेगा बेशक पूरा ना ले थोड़ा सा लेगा लेकिन लेगा तो सर्कुलर मोशन ही यानी कि इट विल हैव हाँ सम सम्रिप्टल फोर्स उसे हम रेडियल फोर्स भी कहते हैं जो टूवर्ड्स द रेडियस होता है ठीक है अच्छा और दूसरा कौन सा फोर्स है ये वाला फोर्स भी तो है जो इसके टेंजेंट की तरफ है दैट इज़ एम जी साइन थीटा है ना जो इसके टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं इसको जो जो ऐसे लेकर जा रहा है ठीक है जो ऐसे लेकर जा रहा है दैट इज़ टेंजेंशियल फोर्स ठीक है जो अंदर की तरफ बांध के रख रहा है दैट इज़ रेडियल फोर्स तो ये दो टाइप के फोर्स इस बॉब के ऊपर एक्ट कर रहे हैं ठीक है तो अगर फोर्स है तो इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगी है ना पहले मैं ये दो फोर्स लिख देती हूँ कि रेडियल फोर्स कौन सा है यहाँ पे रेडियल फोर्स रेडियल फोर्स मतलब कि रेडियस की तरफ जो फोर्स है वो तो कौन सा फोर्स है रेडियल फोर्स कौन सा है देखो एक तो यहाँ पे टेंज, ये है टेंशन है ठीक है और यहाँ से इसको ये खींच रहा है ये टूवर्ड्स द रेडियस हो गया टूवर्ड्स द सेंटर हो गया और ये अवे हो गया तो दोनों में ही क्या होगा वेक्टर एडिशन और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा टी माइनस एम जी कॉस्थीटा तो रेडियल फोर्स क्या आ गया आपके पास टूवर्ड्स द सेंटर जो होता है तो टेंशन में से हम माइनस करेंगे एम जी कॉस थीटा अब इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगी सो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी आपके पास अगेन रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है जो टूवर्ड्स द सेंटर होती है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मुला बहुत अच्छा खासा हमें ऑलरेडी पता है दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है ना ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर इंटू आर इज द रेडियस अब यहाँ पर रेडियस तो ये लाइन है है ना ये स्ट्रिंग uh, है जिससे बॉब बंधा हुआ जिसकी लेंथ एल है तो यहाँ पर हम रेडियल एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू एल आर की जगह क्या आ जाएगा एल आ जाएगा ठीक है अब ये तो हो गया रेडियल फोर्स रेडियल एक्सेलरेशन अब एक और फोर्स भी तो है टेंजेंशियल फोर्स अब टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे कौन सा है टेंजेंशियल फोर्स जो आपका टेंजेंट है ठीक है उसमें कॉम्पोनेंट कौन सा आ रहा है एम जी साइन थीट आ रहा है अभी जो टेंजेंशियल फोर्स है वो एक तरीके से क्या काम कर रहा है वो एक सर्कुलर मोशन का काम कर रहा है है ना सर्कुलर मोशन का काम कर रहा है यानी कि जो फोर्स सर्कल में घुमाता है तो उसे हम टॉर्क कहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं टॉर्क कहते हैं ठीक है तो टॉर्क क्या होता है हमारे पास यहाँ पे हम टेंजेंशियल फोर्स भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे टॉर्क भी कह सकते हैं टॉर्क दैट स्पॉटिंग द टेंजेंशियल फोर्स ठीक है तो टॉर्क यहाँ पे क्या होगा हमारे पास अगेन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना इसका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी को ही हम टॉर्क बोलते हैं ठीक है तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स फोर्स कौन सा टेंजेंशियल टेंजेंशियल फोर्स कौन सा लग रहा है एम जी साइन थीटा ठीक है तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या है एल ही तो है ठीक है एल ये हो गया एल और यहाँ पे हम लगाएंगे नेगेटिव साइन नेगेटिव सो यहाँ से आपके पास स्टॉर्क आ जाएगा माइनस एल एम जी साइन ठीठा नाउ वाई नेगेटिव साइन हेयर वाई नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है ना टेजेंशियल फोर्स ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है कौन सा फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स है कैसे देखो जब यहाँ पर था हमने इसको यहाँ पे खींचा था और यहाँ पे जब हम इसको छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये अपनी मीन पोजिशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा ठीक है और हमें हमेशा पता है रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो हमेशा डिस जो डिस्प्लेसमेंट होती है उससे ऑपोजिट होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हमेशा क्या लगाते हैं हम नेगेटिव लगाते हैं हमने खींचा इधर फोर्स इधर लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो दैट्स वाई हम क्या लगाते हैं यहाँ पर नेगेटिव लगाते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं दिस इज अ रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क आया है ठीक है सो दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क दैट टू रिड्यूस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि यहाँ पर ये यह जब आएगा तो ये थीटा को कम करता जाएगा कम करता जाएगा सो तो ये थीटा कम कर रहा है दैट्स वाई हमने इसको क्या पुट किया है यहाँ पर नेगेटिव पुट किया है ठीक है तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दिस इज ए रिस्टोरिंग तो हमने लिख दिया कि दिस इज अ रिस्टोरिंग टॉक दैट टेंस टू रिड्यूस एंगुलर डिसप्लेसमेंट हैंगेटिव साइन ठीक है अब हमें पता है टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है ठीक है टॉर्क का न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन के लिए एक और फॉर्मूला होता है क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्जिया इंटू एंगल टॉर्क क्या होता है सो दिस इज वन दिस इज टू इक्वेटिंग वन एंड टू क्योंकि वो भी रोटेट करने का काम कर रहा है ये भी रोटेट करने का काम करता है इक्वेटिंग तो ये हो जाएगा आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एल एम जी साइन थीटा ठीक है यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ गई यहाँ से एक्सेलरेशन आ गई आपके पास माइनस एम जी एल साइन थीटा अपॉन में ठीक so है कौन सी राइट right? अब यहां पर जैसे कि साइन है अब देखो ये जो थीटा है ये क्या होता जा रहा है चेंज हो रहा है ठीक है चेंज हो रहा है एट एवरी मोमेंट थीटा क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो कभी स्मॉल राइट right? तो जैसे हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट छोटी होती जा रही है थीटा चेंज होता जा रहा है तो थीटा चेंज का मतलब क्या कि साइन थीटा जो है वो चेंज होता रहेगा अब साइन थीटा की अगर हम एक्सपेंशन को पढ़ते हैं मैथ्स यहाँ पे यूज होगा कि वी नो दैट वी नो दैट कि अगर हम साइन थीटा की एक्सपेंशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है ये होता है आपके पास थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल फिर प्लस में थीटा फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल फिर माइनस में एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन चलता रहता है ठीक है ये हमने एक्सपेंशन पढ़ रखी है ठीक है नहीं पढ़ी है तो मैथ्स में आ जाएगी आपके पास ट्वेल्थ में आ जाएगी तो ये साइन थीटा का ऐसे एक्सपेंशन होता है तो फॉर वेरी स्मॉल थीटा क्योंकि थीटा क्या हो रहा है चेंज छोटा हो रहा है कि अगर हम इधर फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट छोटी हो रही है तो फॉर स्मॉल थीटा फॉर स्मॉल थीटा क्या होगा बाकी सारी वैल्यूज़ निग्लेक्ट हो जाएंगी क्योंकि उसका क्यूब और छोटा होता जाता है ठीक है तो फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा जो होगा वह अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा किसके थीटा के बाकी सबको हम क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे वन मोर थिंग अगर आपने फैक्टोरियल सुना है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है मैथ्स वाले बच्चों ने पढ़ लिया होगा फैक्टोरियल अभी तक नहीं फैक्टोरियल पढ़ा तो आप लोगों को पता होना चाहिए थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि हम इसको वन तक लेके जाएंगे थ्री इंटू टू इंटू वन फाइव फैक्टोरियल का मतलब होता है फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन य हमने मैथ्स में किया हुआ है ये मैंने बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया फैक्टोरियल का मतलब ठीक है बट आपने यहाँ पे मेंशन कर देना कि थीटा की एक्सपेंशन हमें पता है बट स्मॉल वैल्यू है ना थीटा की तो उसके लिए हम थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख देंगे बाकी हायर वैल्यूज को हम क्या कर देंगे निग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी माइनस एम जी एल आई और यहाँ हो जाएगा थिटा ठीक है थिटा तो अब ये क्या आ गई है फाइनल हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई है ठीक है अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमने एंगुलर एक्स हमने एक्सेलरेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक क्या निकाल रखी है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती थी हम क्या निकालते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ये निकाली थी हमने है ना यही निकाली थी तो अब इसको और इसको ध्यान से देखो अगेन है क्या ये ये क्या है माइनस का साइन है ठीक है थीटा क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है दिस इज फ्रिक्वेंसी दिस इज ऑल्सो फ्रिक्वेंसी तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करती हूँ या कंपेयरिंग इसको थ्री मान लो इसको फोर मान लो कंपेयरिंग इनको कंपेयर करो कंपेयरिंग थ्री एंड फोर तो वहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है एम जी एल बाय आई के अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एम जी एल अपॉन आई तो ये क्या मिल गया हमको ये मिल गया हमें सिंपल हारमोनिक की एंगुलर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ठीक है जो हमने पेंडुलम से निकाल ली है ऑल्सो अब टी की बात कर लेते हैं टाइम पीरियड भी निकाले तो टाइम पीरियड क्या होता है टू पाई बाय ओमेगा होता है इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा दिस इज टू पाई अंडर रूट आई अपॉन में एम जी एल तो ये आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड ठीक है ऑल्सो यहाँ पर हमें इतना भी पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ऑल्सो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए होता है एम आर स्क्वायर मास इंटू रेडियस का स्क्वायर अब यहाँ पर रेडियस क्या है रेडियस मतलब कि ये वाला रेडियस एल की बात हो रही है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ आई पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर अंडरूट एम एल स्क्मूला बन गया फाइनल कैपिटल एल अपॉन में जी तो ये आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे सिंपल पेंडुलम को हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव किया है कैसे कंपेयर करके हम उसकी फ्रिक्वेंसी निकाल के लेकर आए टाइम पीरियड निकाल के लेकर आए हैं सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है जो एन में एग्जांपल 13.8 वो करते हैं तो एग्जांपल 13.8 क्या कह रहा है वट इज़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड्स जो एक सिंपल पेंडुलम होता है जो टिक करने पर एक सेकेंड बताता है उसकी आपको लेंथ बतानी ठीक है तो देखो हमारे पास ये जो पैंडुलम होते हैं इस तरीके से होता है ओके तो क्या होता है सबसे पहले टिक एक यहां पे आती है एक टिक यहां पे आती है ठीक है तो मान लो यहां से शुरू कर रहा है इनिशियल पोजीशन से मान लो ये शुरू कर रहा है ठीक है ये इनिशियल है फिर ये फाइनल है ठीक है तो यहां से अगर उसने स्टार्ट करा है तो यहां से लेकर यहां तक एक टिकाई तो एक सेकेंड फिर यहां से वापस गया तो फिर से एक सेकेंड ठीक है तो उसने क्या किया इनिशियल पोजीशन से जब स्टार्ट करा और इनिशियल पोजीशन पे जब उसने एंड किया तो क्या हो गया उसकी एक ऑसिलेशन हुई है ठीक है वन ऑसिलेशन ठीक है तो वन ऑसिलेशन में कितनी बार टिक हुआ टिक टिक दो बार टिक हुआ तो एक ऑसिलेशन के अंदर कितने सेकेंड्स हो गए दो सेकेंड्स हो गए ठीक है हम ऑसिलेशन की क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि हम पूरे के पूरे को जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वो टाइम पीरियड पूरा का पूरा हमें क्या बताता है ये जाने का और वापस आने का ये टाइम पीरियड होता है वन ऑसिलेशन का ठीक है तो इसीलिए हमने पहले देखा कि ये पहले में एक टिक एक सेकेंड दूसरे में फिर वापस आया तो दो टिक तो दूसरा सेकेंड हो गया ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन ठीक है वो कितना हो गया उसका टू सेकेंड हमने निकाल लिया कि एक टिक दूसरी टिक क्लियर गई ये बात और टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन हमने अभी अभी फॉर्मूला निकाला है क्या निकाला है हमने टू पाई एल बाई जी ठीक है वैसे तो हमने यही फॉर्मूला निकाला था ठीक है ये भी निकाला था इसके अंदर मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया था मास था ये सब चीज़ें तो हम कहाँ से निकाल देंगे ये जी हमें पता है एक्सेशन डू टू ग्रेविटी और ये लेंथ का रिलेशन पता है तो ये ज़्यादा ईजी है ना हमारे लिए तो मास कहाँ से निकालेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से तो डायरेक्ट हम ये फॉमला लगा लिया तो ये लगा लिया हमने अब यहाँ से मेरे को निकालनी क्या लेंथ निकालनी है टाइम पीरियड तो मैंने निकाल लिया टू सेकेंड्स लेंथ निकालनी है तो लेंथ के लिए मैं क्या करूँगी सबसे पहले तो मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देती हूँ ताकि बेचारे के ऊपर से रूट हट जाए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एल बाई जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा टी स्क्वायर इंटू जी अपॉन में फोर पाई स्क्वायर ठीक है तो ये टी है क्या आपके पास टू सेकेंड्स तो यहाँ पे टू का स्क्वायर एंड जी इज नाइन पॉइंट एट डिवाइड में फोर सेकेंड्स इंटू थ्री पॉइंट वन फोर ये कैंसिल करके ये आ गया इसको इससे हम जब कैंसिल करें पाई स्क्वायर है तो थ्री पॉइंट वन फोर इंटू तो अप्रॉक्सीमेटली जब हम इसको कैंसिल करेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा वन मीटर लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी वन मीटर की लेंथ आ जाएगी ठीक है तो जब ये एक टिक एक सेकेंड पे करे दूसरी टिक दूसरे सेकेंड पे हो तब इस पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है वन मीटर की होती है ठीक है तो ये था आपका लास्ट एग्जाम्पल थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू